मकबरा है या वो मसाज है, डिफरेंट राइटर्स की हिस्टोरियंस की डिफरेंट राय है। सैयद मोहम्मद लतीफ़ का कहना है कि वो जो है मेहंदी कासिम का जो है वो मकबरा है, इसलिए शहनशाह का मैं कहना उसका सब बता रहा था, जबकि वो राइटर सुनैया लाल के मुताबिक नहीं करा सकता है। ये फेमस लाइब्रेरी है, इसमें 1,00,000 से ज्यादा बुक्स की कलेक्शन मौजूद है और बाकी किताबें 70-80,000 से बढ़ाकर लगाए गए। एक बहुत ही पुराने वक्त के आज भी है ऑस्ट्रेलिया से मुझे फरमाया गया जिसका नाम है साइटस एंट्री। 150,000 से ज्यादा उसमें पूरी दुनिया में कहीं आगे बैठे के नाम से उनकी कंपनी थी। यहाँ पे 1927 में ये बिल्डिंग बनी
और पाकिस्तान बनने के बाद वो हमसाया मुल्क चले गए। और अभी आपकी लेफ्ट साइड पर जो मस्जिद आप देख रहे हैं नज़र आ रही है, मस्जिद शोदा इसका नाम है। ये 1965 में जिन नौजवानों ने अपने वतन अज़ीज़ की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए उनकी याद में ये मस्जिद बनाई गई 1967 में। इसका आर्किटेक्चर अगर आप गौर से देखें तो बाकी तमाम मसाजिद से टोटली डिफरेंट है। उसकी गुम्बद का डिज़ाइन गेस कर सकते हैं किस पैटर्न पे, सोल्जर के हेलमेट लाइक। और इसके मीनार का डिज़ाइन सोल्जर के घर की तरह का बना हुआ सिचुएशन था। अच्छा, राइट साइड के साथ ही जो है बीदन रोड भी है। बीदन रोड के क्या किस फेमस है खाना है, रमन आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट्स और अमृतसरी तो सब यहाँ पर फेमस है। अच्छा, इधर मस्जिद के साथ ही ये रीगल चौक है। रीगल चौक के खाने में क्या चीज़ें फेमस है, खाने वाले को पता होता है गली बड़े समोसे। अच्छा, इसे रीगल चौक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश दौर में रीगल सिनेमा हुआ करता था जहाँ पर इंग्लिश मूवीज प्ले की जाती थी। अभी ये सिनेमा तो नहीं रहा, अब सुनने में आया है कि वहाँ पे कुर्सी गली कॉन्टर करते हैं। राइट साइड पे आर रोड मेजर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ऑफ लाहौर सिटी आर रोड। अच्छा, ये होते हैं जिससे मैंने बता रहे कि पीरियड में यहाँ पे कुछ इस तरह हाल रहा करते थे।